is the syllabus, that is the first chapter, that is microscopy. But before microscopy, we have to know about the thing about which we are going to study, that is the microscope. So microscope, you may know that a microscope is a device or instrument through which we can through which small microorganisms can be seen or studied, which are not visible through naked eyes. यानी वो डिवाइस जो जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स को देख लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमें नेक्ड आईज जो है बग़ैर किसी ऐनक के या बग़ैर किसी शीशे के जो है हम यानी कोई चीज़ नहीं पहनते या किसी चीज़ में नहीं देखते, बल्कि अपनी आंखों से जो है हम उसको देख लेते, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। एंड दी सेकेंड थिंग दैट इज़ दी स्पेशली हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, दैट इज़ दी माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोपी दैट इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेसिमेन आर सैम्पल्स अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। इट्स मीन दैट द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी बाई द माइक्रोस्कोप और अंडर द माइक्रोस्कोप और थ्रू माइक्रोस्कोप, दैट स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। फॉर ईच एंड एवरी sample there is a specific type of microscope which is used according to our work. यानी हमारे पास जो है different किस्म के microscopes जो हैं पाए जाते हैं उसमें lab में। अगर आप लोग देख लें वहाँ पर स्टीरो माइक्रोस्कोप होगा, बायोकुलर होगा, ट्राइकुलर होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, लाइट माइक्रोस्कोप होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं। वही माइक्रोस्कोप जो है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म के काम के लिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक वो है स्टीरो माइक्रोस्कोप है, तो स्टीरो माइक्रोस्कोप से हम अक्सर जो इंसेक्ट्स वगैरह जो कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वगैरह जो उसकी स्टडी कर लेते हैं, तो ज़्यादातर हम उसके लिए स्टीरो माइक्रोस्कोप या एंटोमोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होते हैं उसके लिए, जिसके थ्रू हम इंसेक्ट्स को जो है स्टडी कर लेते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम जो हैं बड़े लार्ज और वो स्पीसीमेंस जो है वो स्टडी कर लेते हैं उसके थ्रू, लेकिन बाज़ ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कुछ हमारे पास बायोकुलर है या कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू हम बाज़ ऐसे सेल्स है वो नहीं देख सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सेल्स है या इस तरह के और, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल या कोई हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप हो तो उसके अंदर हम वो देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फॉर ईच एंड एवरी सैम्पल देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू अवर वर्क। हम अपने काम के हिसाब से क्या इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दी नेक्स्ट थिंग दैट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप मीन के हाउ वी कैन यूज़ द माइक्रोस्कोप और हाउ वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप, व्हाट आर दी प्रिंसिपल, वो उसूल वो जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं माइक्रोस्कोप को, क्या होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए। ये एक आम सी चीज़ें आम बातें हैं माइक्रोस्कोप के हवाले से, लेकिन हम माइक्रोस्कोप को एक आम सा डिवाइस जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं, इट्स सो इजी एंड वी कैन ईजिली हैंडल इट एंड वी कैन ईजिली वर्क ऑन इट, बट वेन एवर यू सेटल इन फ्रंट ऑफ माइक्रोस्कोप देन यू विल नो यू शैल नो दैट हाउ इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देयर पार्ट्स और how to study or how to focus or how to illuminate the image or how to study or analyze or how to measure the specimens. Inshallah I will try to tell you how to measure the specimens through microscope or how we can take image of through the माइक्रोस्कोप। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो हैं उसके हवाले से बात करेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में इसके हवाले से, यानी हर एक वो जो है उसमें आ रहा है, लेकिन ये काम ज़्यादातर मैंने पहले उसमें इंट्रोडक्टरी जो क्लास था उसमें बताया था कि ये प्रैक्टिकल वर्क है, और प्रैक्टिकल वर्क में ये है कि उसमें हम आसानी के साथ जो है उसको सीख सकते हैं। जिस तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर आप जो है प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो वो बहुत ईजी है, लेकिन अगर जब आप उसकी थ्योरी पर चले जाते हैं, थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जरा जो है ये सब्जेक्ट जिस तरह थ्योरी में थोड़ा सा अगर आपको समझ आ रहा है, कंसेप्ट है आपका, तो फिर क्लियर है, और कंसेप्ट को जिस पे क्लियर रखा करें। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप के साइड पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, उस पे कवर होता है
माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर आप लोगों ने देखा हो लैब में, तो वहाँ पे उस पर कवर होता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ अनकवर द माइक्रोस्कोप, उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर वगैरह होते हैं, क्लीन द माइक्रोस्कोप विद ड्राई क्लॉथ्स, क्लॉथ जो है कपड़े वगैरह से जो उसे उसको साफ़ करें, अगर उसके ऊपर कोई डस्ट हो या कुछ और वो हो। स्विच ऑन इफ़ इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल हो तो स्विच ऑफ ऑन करें। मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, कुछ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं जिसकी में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तीसरी बात जो है उसमें प्रिपरेशन, प्रिपेयर द स्लाइड एंड पुट ऑन स्टेज। सबसे पहले जो है आपने, यानी अगर उस टाइम ना हो तो पहले आपने जो है स्लाइड तैयार करना हो गया, जो सैंपल आप सीढ़ी करना चाहते हैं उसको रेडी रखा करें। फिर जब आप माइक्रोस्कोप को उठा लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, अनकवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसको लिए स्विच ऑन कर लेते हैं, उसके बाद क्या है स्टेज पे उसका जो पार्ट है जहाँ पर हम स्लाइड को रख लेते हैं, जिसके ऊपर टू क्लिप्स जो है उसको हम लगा लेते हैं। एक वो मैं शेयर भी कर लूँगा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स की इमेजेस वगैरह जो है आपको के साथ शेयर भी कर लूँगा चैनल नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर यूज़ दी अप एंड डाउन स्क्रू फॉर बेटर रेजोल्यूशन। अभी उसमें स्क्रू होते हैं, उसमें मैं सिंपल उसमें देखूँगा बटन होते हैं जिसके थ्रू क्या है आप एक अच्छी रेजोल्यूशन मीन उसके लिए अगर एक अच्छा इमेज जो है आपके साथ आ जाए, नेक्स्ट उसमें आ रहे रेजोल्यूशन मॉडिफिकेशन, ये चीज़ें आप पहचान लोगे कि रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, ये सारी जो है इससे आप मैं ये कहूँगा नाशना नहीं, इससे आप बखूबी वाकिफ है कि रेजोल्यूशन में और ये मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। रेजोल्यूशन में जब दो चीज़ें होते हैं, जो टू स्मॉल एंटिटीज होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेपरेट सेपरेट शो करना, दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन। टू शो द इमेज बिग नॉट द अपीयरेंट साइज, यानी आप उसके साथ जो इमेज है उसको बड़ा दिखा सके, दैट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जिस तरह हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं अक्सर ये घड़ी वगैरह जो ठीक करा लेते हैं, या जो चिप्स वगैरह जो जिसमें काम कर लेते हैं, ये दुकान वगैरह में, वर्कशॉप में, या हम लेबॉरेटरी में यूज़ कर लेते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में तो उसमें वो चीज़ हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन दैट फॉर विच सेपरेट द टू एंटिटीज फ्रॉम वन अदर, अगर दो हमारे सामने नेक ट्राइज के थ्रू स्मॉल से वो आ जाते हैं दो, तो हम उसमें फ़र्क नहीं कर सकते, तो उसको हम रेजोल्यूशन के थ्रू जो है सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, इफ़ वी पुट द स्लाइड ओवर द स्टेज एंड वी अप आर डाउन दी स्टेज फॉर बेटर, फॉर गेटिंग बेटर रेजोल्यूशन, एंड देन वी आर अनएबल टू टेक दी आर गेट दी बेटर रेजोल्यूशन आर मॉडिफिकेशन ऑफ दी स्पेसिमेन इमेज, देन वी पुट द इमर्जन आयल ऑन द सॉलिड इफ इमेज इज नॉट क्लियर। फिर क्या है, हम उसके ऊपर जो है इमर्जन ऑयल डाल देते हैं। इमर्जन ऑयल जो है दैट इज ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं, इसके अलावा जो हैं एक ख़ास किस्म के वो आ जाते हैं, यही उसमें बॉटल में तैयार आ जाते हैं। तो इमर्जन ऑयल ये होता है कि उसको हम जब उसी स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं, तो उसमें जो लाइट इसके ऊपर पड़ जाता है, जो स्लाइड होते हैं उसके ऊपर जो लाइट पड़ जाता है, तो वो डिस्पर्स होता है इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे जो है हवा जो है, क्योंकि वो क्यों तो नहीं होता वहाँ पर दूसरी पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीज़ें, तो वो इसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं इधर उधर जो है उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। तो जब इमर्जन ऑयल डाल देते हैं जो स्लाइड है उसके ऊपर, तो वहाँ पे ये इमर्जन ऑयल से ये होता है कि वो जो लाइट होता है वो स्पेसिफिकली उसी सैंपल पे क्या है वो फोकस हो जाते हैं। कहते हैं पुट इमर्जन ऑयल ऑन द स्लाइड इफ़ द इमेज इज़ नॉट क्लियर, अगर इमेज क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर क्या हम इमर्जन ऑयल डाल देते हैं स्लाइड के ऊपर, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ये इमेज और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके दरमियान, तो वो डिस्टेंस क्लियर हो जाते हैं। यूज़ द कोर्स फोकस एंड फाइन फोकस स्क्रू फॉर फोकसिंग द सैम्पल, और फिर क्या है हम उसमें जो दो बटन होते हैं, एक को हम कोर्स फोकस कहते हैं, एक को है फाइन फोकस कहते हैं, एक से जो हम उसी को ऊपर लेके आते हैं या उसके जो है उसकी मैं ये कहूँगा कि उसको साफ़ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, दूसरा जो है उससे हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट उसकी करवा लेते हैं, अगर उसमें कुछ
हम क्लियर करना चाहता है कि हमारे पास अच्छा इमेज आ जाए, तो उसके लिए हम फिर क्या है फाइन फोकस को यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर दिस दी इमेज इज नॉट क्लियर, इफ द इमेज नॉट देन चेंज द ऑब्जेक्टिव एज 1040 और 100x। एक होता है हमारे पास आईपीस, आईपीस जो है जिसमें हम देखते हैं ऊपर से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नीचे जो स्लाइड के साइड पे होते हैं, जो स्टेज के साइड पे होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो हमेशा हमारे पास अक्सर तीन होते हैं, तो पहला जो है 10 वो होता है, 0.4 होता है, फिर 10 होता है, फिर जो है 40, फिर 100, इस तरह और भी होते हैं। तो अगर हमारे पास जो है 10 पे हम देख रहे हैं, 0.4 पे देखते हैं, 10 पे देखते हैं हमारे पास इमेज क्लियर नहीं आ रहा, तो फिर क्या है उसको हम 40 भी कर लेते हैं, 40 पे क्लियर नहीं आता तो फिर 100 पे कर लेते हैं। तो उससे क्या है ये एक जो इधर कार्ड पिक्सल जिस तरह उसमें कैमरे पे लिखा होता है कि इतना 60 मेगा पिक्सल, 16 मेगा पिक्सल, 26 मेगा पिक्सल, 10 मेगा पिक्सल, इस तरह ये क्या है ये यूनिट है उसका मैग्निफिकेशन का जो है यूनिट है। तो हम उसी को जो है देख लेते हैं क्या उसका जो पावर है वो कितना है। अगर हमारे पास सबसे पहले तो हमने उसको रखना है उस पे स्टेज पे स्लाइड को, उसको देखने अगर हमारे पास वो क्लियर आ रहा है मर्जन आयल पर हम डालेंगे, अगर उससे नहीं आ रहा तो फिर हमने क्या करना है उस पर 10x पे नहीं आ रहा, 40 40 पे, 100 पे, इन सारों पे एक एक इन सारों में से एक न एक में आएगा क्लियर इमेज। अगर नहीं आ रहा तो फिर हमने और हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप पे जाना होगा, क्योंकि मैंने पहले उसमें कहा कि हर एक सैंपल के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, अगर उस पर स्टडी नहीं हो रहा तो फिर हम दूसरी उसके लिए चले जाते हैं। आफ्टर स्टडिंग द सैंपल देन स्विच ऑफ क्लीन द माइक्रोस्कोप अगेन एंड कवर अगेन, द सेम प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो फॉर ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट विद सेफ्टी मेजरमेंट। यानी जब आप माइक्रोस्कोप पर स्टडी करें तो फिर दोबारा से उसको साफ़ करें, उसको खुश करें, उसको जो है कवर करें, और हर एक एक्सपेरिमेंट से पहले और उसके बाद जो है इसको साफ़ रखा करें। यानी हमने चाहिए कि ज़रूरी है ये, और सेफ्टी मेजरमेंट की हम जो है सबसे पहले ख़ुद को सेफ साइड पर रखें, ऐसा ना हो कि वहाँ पे तार में कोई वो हो, कोई जगह ऐसा हो कि उससे हमें करंट लग जाए, या जो है कोई इस तरह का कोई सैंपल हम डाल दें ताकि उससे माइक्रोस्कोप ख़राब हो या हम ख़राब हो जाएं। क्योंकि कुछ ऐसे वो हैं कि अगर आप ये जो स्लाइड तैयार कर लेते हैं उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं, कवर स्लिप पे कनाडा बालसम रखते हैं, तो कनाडा बालसम है कि वहाँ पे उससे ये इवापोरेशन टाइप की वो आ जाते हैं, तो आपके आँख के जो हैं उस पर वेपर्स वो पड़ते हैं, वो जिस तरह हम स्पिरिट या वो आ जाते हैं कोई चीज़, उससे हमारे आँखों में जो है वो इरिटेशन टाइप की वो पैदा हो जाते हैं, इस तरह जो है उनसे भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या है अपने आप को सेफ साइड पर रखना, फिर जो है चीज़ों को जो है वो जिस तरह हम स्टडी कर लें उसको उसी तरीके से स्टडी कर लें। सो दिस वाज अबाउट दी माइक्रोस्कोप, क्या डिवाइस है माइक्रोस्कोप क्या है, जिस सैंपल का हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करें, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, हाउ टू यूज़ द माइक्रोस्कोप, द थर्ड थिंग दैट इज़ द फोर्थ थिंग दैट इज़ रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन वी आर लुकिंग हियर ओवर द टॉपिक दैट रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू वेरी स्मॉल एंड क्लोज द स्पेस्ड ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंटिटीज। मीन कि हमारे पास अगर वही एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी पावर, उसको कैपेबिलिटी भी कहते हैं, जैसे क्या टू वेरी स्मॉल एंड क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट जो हैं, अगर दो पॉइंट हैं हमारे पास, उन्हीं दो पॉइंट्स को क्या करें उसको हमें जाहिर कराए, उसको हमें दिखाए एज ए सेपरेट एंटिटीज, उन दोनों क्या करें सेपरेट शो करें, तो उसी पावर को हम क्या कहते हैं रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन क्या है कि जब चीज़ें हमारे पास दो चीज़ें नज़दीक हो तभी जो है क्या है वो रेजोल्यूशन हमारे पास अच्छा होगा। इसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ सेलर और सब सेलर वो जो हमारे पास यानी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास रिसर्च और उसके लिए ज़रूरत है, तो उसको हम उसके लिए यूज़ करें ताकि हमारे पास वो चीज़ जो है क्लियर हो जाए, हम उसको देख लें। लेकिन रेजोल्यूशन क्या है वो फिजिकल पैरामीटर्स जो उसमें इंक्लूड होते हैं, वेवलेंथ एंड लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंडेंसर लेंस। मतलब ये कि रेजोल्यूशन हमारे पास जो है क्या है दो चीज़ों पर डिपेंड कर लेते हुए वेवलेंथ ऑफ लाइट, अभी हमारे पास कौन सा लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है या जो है मैकेनिकल लाइट है जो आम सेवर वगैरह किया जो है सनलाइट और इस चीज़ के, या जो हमारे पास उसमें जो लाइट आ जाता है जिसको हम जो है कंडेंसर लेंस कहते हैं। कंडेंसर लेंस मीन अगर आप लोग उसको देख ले माइक्रोस्कोप को, तो माइक्रोस्कोप के स्टेज के नीचे एक लाइट जो है वो लगे होते हैं,
ब्लैक कलर का इस तरह स्क्रू टाइप का वो चीज़ होता है जिसको हम जो इधर उधर जो है घुमा लेते हैं, उसके जो हम फिक्स कर लेते हैं लाइट। और इसी से हमारे पास क्या है, जिस तरह का इमेज हम चाहते हैं तो उसके लिए हम लाइट कम या ज़्यादा कर लें तो हमारे पास क्या है, वहाँ पे वो इमेज आ जाते हैं। एक तो वेवलेंथ है कि हमारे पास कितने वेवलेंथ का कौन सा लाइट जो है चाहिए। और मैंने पहले बताया कि हर एक उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए अपने किस्म का अपने टाइप का माइक्रोस्कोप होते हैं जिसको हम यूज़ कर लेते हैं क्या, उसी में वेवलेंथ वगैरह जो है काउंट। फॉर एग्जाम्पल अभी एक चीज़ हमारे पास नहीं आ रहा तो हम उसको थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या वो जो वेव्स आ जाते हैं तो एज आ उसका वेवलेंथ डिफरेंट होगा हमारे जो आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट यूज़ करे तो उसका अपना वेवलेंथ होगा। इसके अलावा जो है अगर हम इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करें बिजली के थ्रू जो चलता है तो उसी से जो लाइट आ रहा है तो उसका वेवलेंथ डिफरेंट होगा। तो क्या उस पे वेवलेंथ पे डिपेंड कर लेता है लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अभी लाइट जो है उसको गैदर कर लेते हैं, उसको लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के सामने, आपने उसको फिक्स करना जिस तरह स्टेज को हम इधर उधर लेके जाते हैं अभी कम ज़्यादा उसको कर लेते तो उसको यानी ऑब्जेक्टिव के सामने उसको लेके आना ताकि उस पर लाइट जो है वो गैदर हो जाए, उस पर फोकस हो जाए, उस पर वहीं पे आ जाए। कंडेंसर पर जो है नीचे जो लाइट लगे होते हैं उससे हम लाइट कम ज़्यादा का ज़रूरी नहीं कि हर एक उसके लिए हमारे पास बहुत ढेर सारा लाइट और उसके थ्रू हम जो है उसको स्टडी करें ना, बल्कि हम कभी लाइट कम करेंगे कभी ज़्यादा करेंगे तो उसके मुताबिक हम जो है उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। एक मैथमेटिकल वो भी है फार्मूला उसके लिए, स्मॉल लिस्ट डिस्टेंस जो है डी एम सेपरेट टू इंटायरिटीज 1/1.22 × 10 इंटू वेवलेंथ जो है वन, इसके साथ जो उसका वेवलेंथ होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाई स्टडी कर लेते हैं उसका तो वही वेवलेंथ जो है हमें मालूम होगा कि इसका कौन सा वेवलेंथ है, कौन सा लाइट है। वेवलेंथ मालूम करने के लिए अपने वो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं कि हम उससे जो है वेवलेंथ मालूम कर, जिस तरह स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है इस तरह की जो है उससे हम लाइट की वेवलेंथ वगैरह मालूम कर लेते हैं, या दूसरे वो है इक्विपमेंट्स है उसके थ्रू हम इसको मालूम कर लेते हैं कि इसके लाइट का जो है वेवलेंथ कितना है। अच्छा इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव जो है उसकी कितनी है और कंडेंसर जो है वो कितना लाइट जो है वो जो है उसके थ्रू हमारे पास क्या है यानी रिजोल्यूशन पावर जो है वो आ जाता है कि इसका इतना ही काम है। अच्छा दी नेक्स्ट दैट इज़ दी मैग्निफिकेशन एंड इमेजिंग। तो मैग्निफिकेशन एंड इमेजिंग का मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन वही जो मैंने पहले बता दिया कि एक चीज़ को जो है क्या है वो बड़ा करवाना है, उसको जो है देख लेना है क्या चीज़ हमारे पास उसका जो साइज़ है देख लें। यहाँ पे सबसे पहले मैग्निफिकेशन को देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द अपीयरेंस नॉट द फिजिकल साइज ऑफ समथिंग। द इनलार्जमेंट इज क्वालिफाइड बाई अ कैलकुलेटेड नंबर आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मतलब ये कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है उसका यानी जो अपीयरेंट साइज है उसका उसी को हम देख लेते हैं, जिस साइज़ को हम देख लेते हैं उसी साइज़ को हम बड़ा करते हैं। ये नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा साथ जो इंसेक्ट है उसको हम जो है उसको हम यानी यू वो कर लिए क्या कहते हैं उसको यानी एक चीज़ को हम उसकी फिजिकल साइज़ जो है जो उसका अपना साइज़ है उसको इंक्रीज़ नहीं कराते हैं, बल्कि मैग्निफिकेशन में क्या है हम उसकी जो अब हमें नज़र आ रहा है थ्रू आई पीस और ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या है हम उसको बड़ा कर। फॉर एग्जाम्पल 40x पे एक किस्म का इमेज होगा, 10 पे दूसरे किस्म का, 100 पे तीसरे किस्म का, तो जिस पे हमारे पास बेस्ट और वो आ रहा है तो उसी से जो हम वही वो ऑब्जेक्टिव और वही तरीके से जो हम आई पीस की जो लेंसेज है वो यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारे पास जो साइज़ है सैम्पल का या स्पेसिमेंस का वो हमें नज़र आ जाता है, उसको हम फिर फर्दर उसको स्टडी कर लेते हैं। तो दिस वाज लिटल अबाउट दी और रेजोल्यूशन का पहले बता दिया कि रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन में जो है हम उसको देख लेते हैं कि आया ये जो दो सेपरेट एंटिटीज हमारे पास पड़ी हुई कितने पास ले पर है या किस तरह है, तो अगर हम इस तरह नेक टाइप्स के थ्रू उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो फिर हम उसको थ्रू रेजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप हम उसको सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। अच्छा इल्यूमिनेशन जो है इल्यूमिनेशन की वही बात है जो पहले मैंने बता दिया कि हम स्पेसिमेंस को रख लेते हैं फिर उसके ऊपर जो है
लाइट जो है वो छोड़ देते हैं, फिर उसमें देख लेते हैं कंडेंसर जो है उसको उसके थ्रू देख के क्या है उसके लिए कितना लाइट जो है चाहिए, ज़्यादा या कम ज़रूरी है कि हर एक उसके लिए जो है देखिए यहाँ पे कि हर इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी टू टर्न ब्राइट लाइट अराउंड द ऑब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं कि हम जो है हर एक इमेज के लिए क्या करें ब्राइट लाइट दे दें, बल्कि कभी हम उसके लिए लाइट डैम करेंगे तो कभी ज़्यादा करेंगे, हम अपने स्टडीज़ को जो है वो देखें किस तरह हमारे पास वो क्लियर आ जाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दी माइक्रोस्कोप, क्या है डिवाइस है जिसके थ्रू हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखते हैं, माइक्रोस्कोप ही वही जो सिंपल को स्टडी कर लेते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप ही प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, आपके सामने के किस तरह माइक्रोस्कोप को यूज़ कर लेते हैं, रेजोल्यूशन मीन कि हाउ हम दो जो स्पेसिमेंस हैं क्लोजली एंटाइटीज है उसको किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, किस तरह सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं, उसको जुदा जुदा देख सकते हैं, जुदा जुदा मीन कि एक जगह पर पड़े हुए लेकिन उसको हम नेक डाइज में उसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते, भी उसको हम वो देख लेते हैं। इसके अलावा जो है मैग्निफिकेशन एंड इमेजिंग है, तो मैग्निफिकेशन और इमेजिंग जो है मैग्निफिकेशन चीज़ को बड़ा देखना को कहते हैं, लेकिन उसमें हम हमारे पास मैंने कहा कि डिफरेंट किस्म के माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज और वो लगे होते हैं 4x, 4x या 10x या 100x इस तरह की, और वही जो है हम उसमें चेंज कर लेते हैं, उसमें हम माइक्रोस्कोप को चेंज कर लेते हैं या लेंस को चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लेते हैं, उसके थ्रू हमारे पास बेटर इमेज जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर वो ना हो तो फिर हम उसके ऊपर इमर्जन ऑयल भी डाल देते हैं, और फिर अगर वो सारे कर ले तो फिर हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरा वगैरह यूज़ कर लेते हैं जिसके थ्रू हम उसका इमेज भी ले सकते हैं, उसको अपने पास रख भी सकते हैं। फिर लेंसेज की जो है टाइप्स है कुछ जो है एक किस्म के होते हैं कुछ दूसरे किस्म के, तो जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी के लेंस होते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास अच्छा इमेज आएगा, और जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बात है जिस तरह कैमरे के लेंस होते हैं, बास कैमरे के लेंसेज अच्छे होते हैं तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है और उसका इमेज भी अच्छा होता है, बास का प्राइस कम होता है तो उसका लेंस भी कमज़ोर होता है अच्छा नहीं होता तो इमेज भी अच्छा नहीं होता। एलिमिनेशन जो है एलिमिनेशन मीन के उस पर लाइट जो है हम डाल देते हैं, तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर ज़्यादा लाइट डाल दें, वरना हर एक स्पेसिमेन का हमारे पास ज़्यादा लाइट पे वो इमेज आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं और उससे फिर हम एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो ले लेते हैं, उससे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा ये सारी बातें हो गई, इसके अलावा जो है इल्यूमिनेशन भी हो गया, मैग्निफिकेशन का तो बता दिया कि जो साइज़ होता है उसके अपीयरेंस साइज़ को क्या है उसको लार्ज के एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये एंगल के साथ बात होती है कि किस तरह जो है हमारे पास यानी हमारे पास एक चीज़ यानी किस तरह नज़र आता है, कितने एंगल से अक्सर हम देख लेते हैं, यानी ये हमारे उसमें शामिल होने कोर्स में, या फिर भी इस टाइम इस पर दोबारा से वो डिस्कशन कर लेंगे। इसके साथ जो है ये लेक्चर अब वो क्लोज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।